प्रमुख कार्यकर्ता है जिनको आउटरीच प्रोग्राम में जाना है, कौन कौन सा एरिया हमने आइडेंटिफाई किया है, तो हर बेनिफिशियरी के पास जाना है, उनको देखना है वाकई जो गवर्नमेंट की स्कीम है उन तक पहुंची है, उनको उस चीज का लाभ मिला। सिक्किम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की माइनर प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे, हर चीज के बारे में हमें उनको आगाह करना है। चलो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। आना युवा पीढ़ी को लीडरशिप देना, आज के डेट में अगर हम देखते हैं कोई बीडीसी आज कोई पार्टी छोड़कर कहता मैं खुद इलेक्शन लड़ूंगा, कोई पांच सरपंच कहता मैं इलेक्शन लड़ूंगा, आज के डेट में युवा लीडरशिप आ रही है आगे। वो कहते हैं आज तक हमने उन अनपढ़ जाहिलों को माले डाले, आज हम पढ़े लिखे हम खुद आगे बढ़ेंगे, आम जनता की रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ये बड़ा अचीवमेंट है। आगे युवाओं को आगे करना, और उसके साथ साथ जो बैकडोर एंट्रीज का यहाँ सिस्टम चल रहा था, जिस गरीब को हक है रोजगार मिलने का उसको रोजगार नहीं मिलता था, और जो मंत्री जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से वापस था उस कॉन्स्टिट्यूंसी के वर्कर को वो रोजगार नहीं देता, कहता कि उससे मैं पैसे नहीं ले सकता हूँ, दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में वो जॉब क्रिएट करता है, उसके लिए करोड़ों के पैसे प्रीवियस ईयर एलजी साहब ने छोड़े हैं। आज जो हम जदीद टेक्नोलॉजी के मशीनरी देख रहे हैं वो हमारे जिला कुलगाम में है, और डिस्ट्रिक्ट सेक्टर की अगर हम बात करें 17,880 करोड़ रुपीस जो 5,870 प्रोजेक्टों के लिए यहाँ पे वागुजार किए गए, 17,000 करोड़ कोई कम अमाउंट नहीं है, जिसके लिए 5,870 प्रोजेक्ट पे काम चल रहे, उसमें छोटे ब्रिज बड़े ब्रिज आ रहे हैं। रही बात पिछले 60 सालों में यहाँ पर मैग्नमाइजेशन उस तरीके से उस तेज़ी रफ्तार से नहीं हुआ, आज के डेट में अगर देखा जाए 156 किलोमीटर भारतीय जनता पार्टी ने मैग्नमाइज करवाए, और जेजेएम स्कीम जो है उसके तहत हमारे 128 प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं, और जो देख रहे हैं आज के डेट में कहीं पे ट्रांसफार्मर देना, बिजली के खंभे देना, तार देना है, ये भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों के रुपए डिस्ट्रिक्ट सेक्टर को वाजगुजार किया, तब जाके जो हमने यहाँ पे ग्रास रूट डेमोक्रेसी बनाई है, जिसको हम पंचायत कहते हैं, बीडीसी कहते हैं, पीडीसी कहते हैं, भले ही कौन किस पार्टी से वाबस्ता है, एक इंस्टीट्यूशन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे बनाया है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, जिसको हम कहते हैं पंचायत राज। पंचायत राज के तहत अगर आज के डेट में कोई बीडीसी या डीडीसी के डेट में डिफेंस में सबसे आगे भारतीय जो ये इंडिया चल रहा है, और जितने भी नेशनल हवे की अगर बात करें हर स्टेट में प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, आईआईटी कॉलेज, ईएमआई कॉलेज, जितने भी प्रोजेक्ट अगर देखा जाए हर लिहाज से गरीब को फ़ायदा मिल रहा है। अगर स्कीम्स की बात की जाए, चाहे पीएमएवाई की बात करें, चाहे लेबर कार्ड होल्डर्स की बात करें, उज्ज्वला स्कीम की बात करें, और मुमकिन स्कीम ई शर्म कार्ड, और जम्मू कश्मीर में जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फ़ायदा मिला है वो है हेल्थ स्कीम के रिलेटेड गोल्डन कार्ड, 5,00,000 की अदविया फ्री मिलते हैं। जहाँ तक जिस ज़िला से हम ताल्लुक़ रखते हैं, ज़िला कुलगाम, अब हम ज़िला कुलगाम की बात करेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कह रहे हैं कि ज़िला कुलगाम में काम नहीं हुआ, आज मैं उन लोगों को आईना दिखाना चाहता हूँ, अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, 17,714 बेनिफिशरीज को यहाँ पर पीएमएवाई मिले हैं, जिसके ओज में 64 करोड़ रुपीज़ जिला कुलगाम ने छोड़े हैं उन बेनिफिशरीज को जिनको पीएमएवाई मिले। नॉन सेक में जो हमारे अभी भी है 1,118, जिनको आने वाले दिनों में भी हम पीएमएवाई के माध्यम से पैसे रिलीज करेंगे। जिला कुलगाम से जो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, एट वेयर सेवा सुशान गरीब कल्याण के माध्यम से, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के 8 साल कंप्लीट हुए, हमने यही कहा कि अगर कोई नेशनल कांग्रेस पीडीपी का कह रहा है कि डेवलपमेंट का नाम कहीं नहीं है, आज हमने वो काम गिनाए हैं, करोड़ों में हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है,
हजारों के तादाद में प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बने हैं। मैग्नमाइजेशन जो 70 सालों में नहीं है, 156 किलोमीटर का मैग्नमाइज भी हुआ। हम यही चाहते हैं जितने भी स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किए गरीब लोगों के लिए किए हैं, और जितने भी बड़े बड़े मगरमच्छ है उनको साइड करने के लिए आम जनता को यहाँ पे मौका मिला है, जिसको हम कहते हैं PRI इंस्टीट्यूशन। स्टेट का अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, थिंक टैंकर्स बैठे हैं, जैसे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी, उसके साथ साथ अजीत डोभाल जी, तो वो थिंक टैंकर्स है। डेफिनेटली ए गुड रिजल्ट विल कम आउट फॉर द वेलफेयर ऑफ द कश्मीरी पंडितस एज वेल एज द कश्मीरी पीपल हु आर नाउ ए डेज फील इनसिक्योर विद इन द कश्मीर। सो फार एज द टारगेट किलिंग्स आर कंसर्नड, डेफिनेटली गवर्नमेंट विल टेक प्रॉपर इनिशिएटिव। वी हैव कमिटेड, वी हैव एक्सपेक्ट लॉट फ्रॉम द कंसर्न पुलिस डिपार्टमेंट, दे विल न्यूट्रलाइज देम विद very soon time.